देवों के देव महादेव शिव शंभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक महा उपायों के बारे में। जीवन में हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत मेहनत के बाद भी धन इकट्ठा नहीं होता और आए दिन धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करें और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार की रात को शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को 41 सोमवार तक करें। इससे आपके जीवन में आ रही धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन भोलेनाथ पर जल व दूध अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नियमित रूप से भोलेनाथ की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सोमवार के दिन यदि शिवलिंग पर शहद की धारा बनाकर अर्पित की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर जातक के जीवन में नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। यदि किसी कार्य को करने में लंबे समय से बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। ध्यान रखें कि पूजन में बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के कुछ उपाय करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। यदि आप सोमवार के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछली को खिलाएं तो आर्थिक तंगी की समस्या आपके जीवन से दूर हो सकती है, धन की कमी महसूस नहीं होगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप सोमवार के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसे किसी मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति धीरे धीरे होने लगेगी। यदि किसी शादीशुदा जोड़े को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वे आज के दिन आटे से शिवलिंग बनाएं और सभी पर कम से कम 11 बार जलाभिषेक अवश्य करें। ये उपाय आपकी सूनी गोद को जरूर भर देगा। सोमवार के दिन शाम के समय आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल जरूर अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। इससे भोलेनाथ आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखने का आशीर्वाद देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कभी भी धन दौलत की कमी ना हो तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए शंकर जी को पीले या लाल रंग के चंदन से तिलक लगाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी, नौकरी और बिजनेस में आप तरक्की करने लगेंगे, जिससे आपका घर धन दौलत से भरने लगेगा। यदि घर में किसी की तबीयत काफी दिन से खराब है, किसी को कोई रोग हुआ है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप शिव मंदिर जाकर 101 बार जलाभिषेक करें। इस दौरान आप ओम जुम सह मंत्र का जाप करते रहें। जल्द ही आपके घर का बीमार सदस्य स्वस्थ होने लगेगा। यदि आपकी शादी में कोई अड़चन बाधा लगातार आ रही है तो इस दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाएं। जल्द ही आपके घर अच्छा रिश्ता आएगा और विवाह के योग बनेंगे। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सच्चा जीवन साथी मिल जाता है, इसलिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो लोग सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और शिव जी की पूजा करें। सोमवार के दिन शिव जी को दूध चढ़ाते हुए शिव नाम का जाप भी करें। जो लोग मानसिक रूप से बीमार रहते हैं वह लोग सोमवार के दिन अपने कुल देवता की पूजा जरूर किया करें। सोमवार को कुल देवता की पूजा करने से मानसिक रोग दूर हो जाते हैं और दिमाग सदा शांत ही रहता है। आर्थिक कष्ट होने पर इस दिन शिव जी की पूजा करें और शिव जी को उनकी मन पसंद चीजें अर्पित करें और हो सके तो सोमवार का व्रत भी रखें। इसके अलावा इस दिन दूध का दान भी करें। दूध का दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह सही घर में नहीं है वह लोग यह उपाय करें। इस उपाय के तहत सोमवार के दिन एक चांदी का टुकड़ा नदी में प्रवाहित कर दें।
चांदी का टुकड़ा नदी में प्रवाहित करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाएगी। दरअसल चंद्र के कमजोर होने पर जातक बीमार रहता है और उसे त्वचा से जुड़े रोग हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का चंद्र कमजोर है वो लोग लगातार 5 सोमवार यह उपाय करें। यह उपाय करने से त्वचा से जुड़े रोग सही हो जाएंगे। अगर आपकी कोई कामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है तो आप यह उपाय सोमवार को करें। इस उपाय को करने से मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। आप सोमवार को 2 सफेद मोती लें, जिनमें से एक मोती को पानी में प्रवाहित कर दें और इसे प्रवाहित करते हुए अपने मन में अपनी कामना बोल दें, जबकि दूसरा मोती अपने पास रखें और जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो इस मोती को भी जल में प्रवाहित कर दें। सोमवार को चांदी का छल्ला धारण करना शुभ माना जाता है और चांदी का छल्ला पहनने से कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलती है। चांदी के छल्ले के अलावा आप मोती की अंगूठी भी इस दिन धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर कार्य और क्षेत्र में कामयाबी मिलने लग जाएगी। चंद्र ग्रह को अपने अनुकूल रखने के लिए सोमवार के दिन रात को सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे दूध का गिलास रख दें और सुबह इस दूध को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। यह उपाय 11 सोमवार करें। जीवन में किसी तरह का संकट आने पर यह उपाय करना सही रहता है। सोमवार के दिन बैल और गाय को हरी घास खिलाएं। बैल और गाय को हरी घास खिलाने से संकट दूर हो जाएगा। इसके अलावा सोमवार को गरीब लोगों को खीर खिलाना भी शुभ फल देता है और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। धनवान बनने की इच्छा रखने वाले लोग सोमवार के दिन मछलियों को आटा खिलाया करें। मछलियों को आटा खिलाने से जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप सोमवार को स्नान करें और स्नान करने के बाद किसी भी नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां डालें। लगातार 11 सोमवार यह उपाय करने से आप धनवान बन जाएंगे और घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहेगी। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस उपाय को करें। यह उपाय करने से आपके घर में जल्द ही वाहन आ जाएगा। इस उपाय के तहत चमेली के फूल शिव जी को अर्पित करें। इस फूल को अर्पित करने से आपको वाहन सुख प्राप्त हो जाएगा। जो लोग संतान का सुख पाना चाहते हैं वो सोमवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। गेहूं चढ़ाने से जल्द ही आपको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस सोमवार के उपाय को आप सच्चे मन से ही करें तभी आपको इसका फल मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। शिवलिंग को गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाता है। तेज दिमाग पाने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक शक्कर वाले दही से करें। धन लाभ के लिए भी सोमवार के उपाय फायदेमंद होते हैं। धन में हानि होने पर कच्चे चावल शिव जी को चढ़ाएं और कच्चे चावलों का दान करें। ये उपाय करने से आर्थिक हानि होना बंद हो जाएगी। सोमवार को रुद्राक्ष धारण करने से शरीर सेहतमंद रहता है। इसलिए जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं वे लोग सोमवार के दिन रुद्राक्ष को धारण कर लें। किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होने पर सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए सोमवार को सफेद रंग की चीजों का दान करें। साथ में ही सफेद रंग के कपड़े ही इस दिन धारण करें। जिन लोगों का मन अशांत रहता है वो सोमवार को चंदन का तिलक लगाया करें। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो इस दिन काले और सफेद तिलों का दान करें। आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। हालांकि उन्हें प्रसन्न करना जितना ही आसान होता है, पूजा में हुई हल्की सी चूक से भगवान शिव उतने ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके अलावा यदि सोमवार का व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस दिन किसी भी तरह का गलत काम या अनैतिक काम ना करें। इस दिन जुआ खेलने से बचें, चोरी करने से बचें, पराई स्त्री पर नजर रखने से बचें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसके अलावा नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना जितना शुभ होता है उतना ही ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि नारियल का पानी कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप सोमवार की पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया,
पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। इसके अलावा इस दिन की पूजा में भोलेनाथ को चावल यानी अक्षत अवश्य अर्पित करें। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सोमवार की पूजा में भगवान शिव को नारियल भी चढ़ाया जा सकता है।